सदनी फूल डालो मू सदनी सोने सदनी जवानी नी रेंदी कैकी सदनी कैन नी रोण जवानी धर की धरी रे जान दी लंग पड़ी के लंग बिंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका तो सादिक चवले। कैसे हो आप सब लोग? और हम आए देर तो फिर हम सोच रहे थे कि कहीं घूमने चलते, पर इतनी देर से बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही, हम कहीं घूमने जा ही नहीं पा रहे। तो जब तक बारिश हो रही है तब तक हम खाते हलवा। जब तक ले रहे घर वाले बारिश का मजा, तब तक मैं खाता हूँ हलवा अपने दोस्त के साथ। देहरादून की बारिश और चाय का मजा, आहा मजा आ गया। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में बताना भूल गया, यह है देहरादून का सबसे खतरनाक दोस्त कार्तिक। ये बहुत ही खतरनाक दोस्त है, ये कभी हंसता नहीं, इसलिए लोग इसको खतरनाक कहते हैं। ओए, कभी हंस भी लिया कर। चल बस अब डांस करते हैं। बादल बरसाती जुली सावन को पानी, सोची सो मौसम छा तो जवानी। तो दोस्तों, भाई शुक्ति, मैं और चाचा और पापा निकल गए स्कूटी से आगे के सफर में। तो दोस्तों, 2 किलोमीटर जंगल के खतरनाक रास्ते को पार करके पहुंचे श्री लक्ष्मण शहीद मंदिर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए लक्ष्मण शहीद मंदिर, तो फिर अंदर जाकर दर्शन करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। राम सिया के प्यारे भक्तों के सहारे, तुम देते दिलेरी, तुम बस संकट हरने वाले। तेरे भरोसे बैठा हूँ, तुमसे ही उम्मीदें, वरना मेरे अपने भी खुद कर्ज बने हैं सारे। थोड़ा सा भी नाम बने तो सारे दौड़े आते हैं, बिन पैसों की दुनिया में नया रिश्ते जोड़े जाते हैं। तेरे मेरे रिश्ते में न स्वार्थ भरा है कोई, झूठी सी इस दुनिया से धीरे से करते जाते हैं। काम निकल जाने पे सारे राम राम कह जाते, नाम तेरा लेने से पर काम मेरे बन जाते। साथ में लेना औरों का पर साथ तेरा जरूरी है, बिन तेरे अंधेरों में हम ऐसे ही मर जाते। रहनुमा और सखा मेरा तुम, मैं ही तलाश हूं मैं, कोई नहीं यहां जिनसे साझा करूं आंसू मैं। राम के दुलारे मेरा साथ देना हर दफा, साथ तेरे बैठ छुपे दर्द मेरे बांटू मैं। राम भरोसे सांस चले, राम भरोसे चले कलम, राम कथा को लिखता हूँ मैं, राम ही जाने मेरी गरम। राम बसे है दिल में मेरे, राम बसे लिखाई मैं, राम भक्ति बनूंगा मैं, ले लूं चाहे लाख जन्म। आके कभी शायर की किताबें जो तुम खोलोगे, राम कथा के छंदों में तुम नाम मेरा टटोलोगे। माना ना महान है जैसे राम दूत के, राम बसे है पर दिल के सारे कोनों में। भार पड़ा दुखों का हल्का तेरा जीभ भी, प्रभु ये उठा लो भार। नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम आए हैं यहाँ पर प्राचीन लक्ष्मण सिद्ध बाबा के मंदिर में। आज हम इसके कुछ इतिहास के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये मंदिर में क्या क्या यहाँ की परंपरा है, क्या क्या यहाँ की कल्चर है, यहाँ के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ यूट्यूबर हार्दिक चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात है, यहाँ देखिए आप आसपास का नज़ारा देख ही रहे होंगे आप। ये यहाँ पर लोकल वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा यहाँ पर हर रविवार को मेला आयोजित किया जाता है। मेले के साथ ही साथ यहाँ पर एक भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कहते हैं यहाँ पे सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है, इसके चलते यहाँ हर रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये रास्ता आप मेरे सामने सिद्ध देख रहे होंगे, ये रास्ता, ये कहते हैं ये सिद्ध नगरी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ वो देखिए यहाँ पे हमारे यूट्यूबर भाई क्या कर रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इन्हें कैसे लगा आज यहाँ आके। तो हार्दिक जी, कैसे लग रहा है आपको यहाँ? बेस्ट देखिए बंदर को भगा रहे हैं जो कि अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इधर आइए, अब हम जानना चाहते हैं इनसे कैसे लग रहा है आपको यहाँ। अच्छा ही लग रहा है। और देखिए, जैसे आप जानते हैं, आप अगर कैमरे की उस तरफ दिखाएं तो देखिए जय श्री राम जी और हनुमान जी भी देखे हैं आपको। बंदरों का बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में संख्या में बंदर यहाँ रविवार को आते हैं। ये उन्हीं लक्ष्मण सिद्ध बाबा के नाम पर बना है ये मंदिर। ये 4 सिद्ध में से एक सिद्ध माना जाता है देहरादून। इनके 4 सिद्ध में से लक्ष्मण सिद्ध, काली सिद्ध, माणक सिद्ध और मानव सिद्ध। तो बस ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे छोटे भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हार्दिक चौधरी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म हो।
सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।